करनाल जिले के कस्बे तरावड़ी के समीप लाइनी गांव में टीचर ना होने की वजह से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत लेकर बच्चों के अभिभावक आज करनाल के लघु सचिवालय पहुंचे और जिला प्रशासन से स्कूल में टीचर मुहैया करवाने की मांग की गई। बच्चों के अभिभावकों ने कहा कि पिछले 6 महीने से स्कूल में कोई भी अध्यापक पढ़ाने के लिए नहीं है और परीक्षाओं के दिन नजदीक आने की वजह से बच्चे परीक्षाओं की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि उनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द स्कूल में अध्यापक की नियुक्ति की जाए। इस मांग को लेकर बच्चे व उनके अभिभावक SDM नरेंद्र कुमार मलिक से मिले। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द स्कूल में अध्यापक का प्रबंध किया जाए, जिसके बाद अभिभावक संतुष्ट हुए। देखिए एक रिपोर्ट। जी जी सर, क्या कहना चाहिए? सर, एक लल्याणी गांव के स्कूल के बच्चे आए हैं, उनके पास टीचर नहीं है, इसलिए वो आपके पास आए थे, क्या? जी हाँ, आप ही लल्याणी गांव से कुछ अभिभावक अपने बच्चों के साथ आए थे, उनके साथ बात हो गई है, कल से वहाँ टीचर की व्यवस्था हो जाएगी। कुछ कारणवश वहाँ टीचर नहीं था, अब कल से आश्वासन भी दे दिया गया और टीचर की व्यवस्था भी। उनका कहना है कि 1 घंटे के लिए कोई टीचर आता है, उससे बच्चे डरते हैं और वो चला जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो स्कूल जाता है, बच्चे घर आ जाते हैं। देखिए, टेम्परेरी एडजस्टमेंट करी गई थी दूसरे स्कूल से, अब की बार जो है परमानेंट तौर पर किसी अच्छे टीचर्स को वहाँ लगा दिया। तो अभी तक प्रॉब्लम क्या थी? स्कूल टीचर के बिना क्यों? 6 महीने से हो रहा है। 6 महीने ऐसा है कि एक स्ट्रेंथ होती है स्कूल की और उस हिसाब से टीचर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो प्रशासनिक कारण रहा होगा कोई, पर अब उसका सोल्यूशन कर दिया गया। ओके, थैंक यू सर। SDM तो मिले हैं जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी कल को आएगा माँ कोई टीचर, अब देखते हैं जी कल को आएगा या नहीं आएगा जी। कहाँ से आप? लल्याणी से आए। तो कितने बच्चे हैं वहाँ पे? वहाँ 60 बच्चे हैं जी। तो कितने दिन से टीचर नहीं है वहाँ पे? 6 महीने से नहीं है जी। कौन कौन से विषय के टीचर नहीं है जी? कोई भी टीचर नहीं है वहाँ पे। कहाँ से आए आप? लल्याणी से। क्या प्रॉब्लम आपकी? जी हमारे बच्चे खाली बैठे हैं जी, टीचर नहीं है हमारे स्कूल में जी। आज किससे मिले आप? हम DC से मिलने आए थे जी, मिलने नहीं देते, 3-4 दिन हो गए जी मारे को आते हो, यहाँ से मिलने ही नहीं दे रहे मारे को यहाँ। तो कितने बच्चे हैं आज ये? ये तो जी 10-11 बच्चे, 60 बच्चे हैं जी, बाकी वही है स्कूल में। स्कूल की कद की छुट्टी भी कर दी, कल्ली जानी वो स्वीपर क्या करेगा? जो टीचर है, टीचर का तो कहना भी मानेगा, स्वीपर का कोई कहना मान लेगा? कौन सी क्लास में? मेरे बच्चे तो जी 1 तीसरी में है जी, 1 पहली में है जी। तो आज किसी से अधिकारी से नहीं मिले आप? नहीं, मिले दिया 10वां आज गए थे जी, वही PL मिल रहे थे जी, और कोई नहीं मिला हमारे से। तो हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है जी, हमें टीचर चाहिए बस हमें। और कितने टीचर थे पहले और अब कितने जी? पहले एक ही था, अब कोई टीचर नहीं है, वहाँ एक भी नहीं है जी। 6 महीने से बदली हो चुकी है जी, उसने एक टीचर अपनी तरफ से लगा रखा है जी। कितने टीचर लगा रखे थे वहाँ? कैसे? एक टीचर सरकारी था जी, एक उसने अपनी तरफ से लगा रखा था जी टीचर। हाँ जी, हाँ जी। वैसे अपने पास से दे रहा था तनख्वाह वो जी। चौपड़ी से बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं वहाँ जी? चौपड़ी से आते हैं। क्या पढ़ के आते हैं? नहीं, वहाँ पढ़ कर के आवा था जी, लड़ झगड़ का आ जा जी। और क्या, लड़ झगड़ का जाते हैं? लड़ झगड़ का आ जा और के चोट चाट खा का जी, कौन संभालेगा? स्वीपर बेचारा के करा कला, टीचर से तो मानना भी यहाँ स्वीपर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.